उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश को रद्द कर दिया है। अब हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव साथ लानी होगी। इसके साथ ही कुंभ आने वाले लोगों को एक और विकल्प दिया गया है, जिसके तहत वह कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट को भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको कुंभ में आने के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लाना होगा। कुंभ में आने की चाह रखने वालों के पास इन दोनों में से एक दस्तावेज का होना जरूरी कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट। दरअसल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि कुंभ में आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा था कि इस दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र की ओर से चिंता जताने के बाद अब प्रदेश सरकार हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड-19 जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का कहना है कि ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड परीक्षण किया जा रहा है और प्रदेश अपनी क्षमता के हिसाब से परीक्षण की संख्या बढ़ाएगा। यहां प्रतिदिन 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट और 5,000 RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार अब परीक्षण की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुंभ स्नान में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को संत समाज ने सकारात्मक कदम बताया है। संतों ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इससे बचाव सबसे पहले जरूरी और सबकी जिम्मेदारी है। दिव्य और भव्य कुंभ आयोजन के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। सरकार संतों और श्रद्धालुओं के टीकाकरण और जांच का दायरा बढ़ाएगी।